हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स इनटू योर बीइंग। क्या आपको लगता है कि आप कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाते? हम इतने अपने जीवन में खोए हुए रहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में 24 घंटे हम सोचते रहते हैं और हमें आदत सी हो गई है कि सोते वक्त अपने प्रॉब्लम्स को भी अपने साथ लेकर सोते हैं, उनके बारे में विचार करते करते सोते हैं। इस वजह से गहरी नींद हमें नहीं आ पाती। कई लोग तो अपने आप को दवाओं के आदि बना लेते हैं, पिल्स लेकर चलिए चलते बनना है, अभी फ़िलहाल इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा, ये सोच के और दवाइयां लेते जाते हैं। इस वजह से मानसिक परेशानियों की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और हम और बीमार पड़ने लगते हैं। और बीमार पड़ना असल में नेचर का, कुदरत का एक तरीका है हमें बताने का कि आपको आराम की ज़रूरत है, भैया इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान दो। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, हमें बुखार आता है, सर्दी हो जाती है, माइग्रेन्स हो जाते हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। ये सब एक निशानी है कुदरत की कि हमें एक हमारा ध्यान जाए कि भाई हमें कैसे रिलैक्स्ड करना है खुद को, ये सीखना होगा। कुदरत का हमारी तरफ दरवाज़ा खटखटाना है ये सारे मेंटल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो फिर आइए आज मैं आपको एक रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसे EFT टैपिंग भी कहते हैं। ये टैपिंग हम अपने फेस के और फिंगर टिप्स के कुछ पॉइंट्स पर इस तरह से जेंटल टैपिंग करते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस हमारे शरीर से बाहर निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। ये पॉइंट्स हैं एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। जिस तरह ब्लड हमारे वेसल्स में फ्लो करता है, उसी तरह एनर्जी हमारे एनर्जी चैनल्स में फ्लो करती है। और इमोशंस क्या है? इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, इमोशन एनर्जी इन मोशन। और जो ये एनर्जी चैनल्स हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, इन एनर्जी चैनल्स की शुरुआत या कनेक्शन यहाँ पर है, जहाँ पर टैप करने से वो अटके हुए इमोशंस हमारे शरीर से, उसके अराउंड जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, हमारे आंसुओं के माध्यम से, हमारे पसीने के माध्यम से, हमारे दूसरे एक्सक्रीशन के माध्यम से, सर्दी खांसी के माध्यम से वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो जब हम टैपिंग करते हैं वो उसी तरह काम करता है जिस तरह किचन की मोरी अगर भर जाए और हम उसे वैक्यूम पंप करते हैं तो सारा जो क्लॉग्ड कचरा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसी तरह से ये मॉडालिटी, ये टेक्निक काम करता है। तो आइए इसके पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, हमेशा ये जो हाथ है हमारा, ये हाथ के पॉइंट्स से यहाँ से शुरू करते हैं, इधर नहीं, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करना है। कोई भी हाथ ले सकते हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, कोई दिक्कत नहीं है। जेंटल टैपिंग करनी है। दूसरा है ये क्राउन पॉइंट। जेंटल टैपिंग, बहुत जोर शोर से नहीं करना, जरूरी आवश्यकता नहीं है। फिर ये आईब्रो पॉइंट, साइड ऑफ द आई, अंडर द आई, अंडर द नोज, अंडर द चिन, कॉलर बोन, अंडर द आर्म और फिर फिंगर टिप्स ऊपर की तरफ, इस तरह नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, यहां वहां, यहां वहां नहीं, टिप पर, जेंटल। कुल मिला के ये 14 पॉइंट्स हैं। फिर यहां पर आकर दोबारा ये इस तरह से हम सर्कल शुरू करते हैं।
आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब इस EFT टैपिंग को हम अपने प्रॉब्लम्स के साथ, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हुए कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल हम सिर्फ पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं। एक और बार कर लेते हैं। क्राउन पे, आईब्रो, साइड ऑफ द आई, 5-6-7 बार आप टैप करेंगे। अगेन आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, बस टैप 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 करके आगे बढ़ना है। मेरे आगे के वीडियोस में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि कैसे हम अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए टैप करके खुद को रिलैक्स्ड फील करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग। लव योर सेल्फ।